स्पाइन स्पेक्स निकाल देंगे स्पेक्स और वॉचिस को निकाल दीजिए ट्रिपल लॉक टांगे क्रॉस हाथ क्रॉस आंखें बहुत धीरे से बंद ये ना आज मैं योग निंद्रा करा रही हूं आपको ठीक mm. है योग निंद्रा जो कोई भी लेट के करना चाहता है वो लेट सकता है अगर किसी का मन है कि हमें लेटना है तो आप बिस्तर पे लेट भी सकते हैं पर सोना नहीं सोना नहीं आज इसका अंद लेंगे कि एक योग निंद्रा ये आपको बेसिकली आप समझ जाएंगे तो फिर आप, आप रेगुलर करते हैं तो एक बार योग निंद्रा से 20 मिनट की योग निंद्रा से हम पांच घंटे की अपनी स्लीप को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं इसमें हम बहुत धीरे से पूरी बॉडी पे फोकस करेंगे और जिनको लगता है कि मैं लेट के करना चाहती हूँ तो वो लेट के कर सकते हैं बट अपना वीडियो ओपन रखें उससे क्या रहेगा हमें पता चलेगा और पीछे क्या हो रहा है हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता ठीक है ज्यादा बेटर है वीडियो ओपन रखें फिर भी आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपकी मर्जी है अदरवाइज कोशिश करें कि वीडियो ओपन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बस आपको सिर्फ करने का तरीका देखना होता हमें चलिए आंखें बंद अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए कुछ एक्स्ट्रा आपको टाइट कर रहा है उसे लूज कर दीजिए एक गहरा लंबा श्वास लेंगे और धीरे से छोड़ देंगे एक और गहरा लंबा श्वास जब भी हम मेडिटेशन करते हैं गर्दन को हल्की सी ऊपर रखो क्योंकि अगर आप नीचे की तरफ रखेंगे तो नींद भी आएगी विचार भी ज्यादा चलेंगे बिल्कुल सीधा नहीं रखना और नीचे को नहीं रखना हल्का सा ऊपर की ओर इतना भी नहीं ज्यादा कि आपकी गर्दन दुखने लग जाए और अगर आप में से कोई सहारा लेना चाहता है पीछे सहारा भी ले सकते हैं आप पीछे किसी दीवार का सहारा लेना चाहते हैं चेयर का तो आप ले सकते हैं एक और गहरा लंबा श्वास अभी अपना पूरा ध्यान अपने राइट फुट पर अपने दाएं पैर पर अपना पूरा ध्यान लेकर जाएंगे दाएं पैर की उंगलियां पूरा ध्यान अपना दाएं पैर की उंगलियों पे जैसे जैसे अपना ध्यान आप जिस भी अंग पर लेकर जाएंगे उसके अंदर जो भी परिकम्पन हो रही है वाइब्रेशन हो रही है उसे फील करना जितना अच्छे से आप फील करेंगे उतना आपको इस मेडिटेशन का आनंद आएगा पैर दाए पैर का तलवा एडी डाइन टांग दाया घुटना राइट नहीं है आपका डाई जांग राइट थाई पूरा फोकस पूरा ध्यान आप अपने हर एक अंक को देखते जाइए बाया पैर बाएं पैर का तलवा बाएं पैर की एडी टांग बाया घुटना बाई लेफ्ट थाई, दोनों टांगे दोनों घुटने दोनों पाव एकदम रिलैक्स अब अपने जेनिटल्स, फोकस ऑन योर जेनिटल्स, अपने प्राइवेट पार्ट्स। नाभी, के नीचे का हिस्सा, नाभी का हिस्सा, का दायां हिस्सा पूरा ध्यान अपने दाए नाभी के दाएं हिस्से पर लेकर जाएंगे नाभी का बायां हिस्सा नाभि का ऊपर का हिस्सा पूरा नाभि के चारों तरफ छाती छाती का दायां भाग छाती का मध्यम भाग और बायां भाग गर्दन का आगे का भाग गर्दन का दाया भाग गर्दन का पीछे का भाग और गर्दन का बाया भाग दाया कंधा दाई बाजू कोहनी दाया हाथ दाई कलाई हथेली दाएं हाथ की पांचों उंगलियां एक एक उंगली को देखते जाएंगे एक एक उंगली पर दाएं हाथ की एक एक उंगली पर अपना ध्यान लेकर जाइए सबसे पहले छोटी उंगली फिर उसके साथ रिंग फिंगर मिडल फिंगर इंडेक्स फिंगर और थम अंगूठा एक एक उंगली में वाइब्रेशन को फील कीजिए अब लेफ्ट शोल्डर बाया कंधा बाई बाजू कोहनी बाया हाथ हथेली कलाई बाएं हाथ की पांचों उंगलियां अब बाएं हाथ की एक एक उंगली पर अपना ध्यान लेकर जाएं स्मॉल फिंगर रिंग फिंगर मिडल फिंगर इंडेक्स फिंगर थम हथेली हथेली के अंदर पूरा ध्यान लेकर जाएंगे और उस तरंगों को महसूस करेंगे जो हथेली के बीचों बीच हो रही है पांव से लेकर गर्दन तक सारा शरीर शांत हो गया है अब चेहरा दाई आंख दाया कान दाई गाल बाई गाल बाई नासिका दाई नासिका अपर लिप लोअर लिप अपर जाोअर जॉ पूरे दांतों को देखेंगे और दांतों के अंदर महसूस होने वाली तरंगों को फील करें जी आपकी टंग आ, फ्रंट साइड ऑफ द टंग मिडल साइड ऑफ द टंग और एंड ऑफ द टंग जो सिलाईवा जो लार आपके मुंह में बन रही है उसे भी महसूस करे फोरहेड सर का ऊपर का पोर्शन पीछे का दाया बाया कंप्लीट हेड एरिया बैक साइड ऑफ द हेड अपर बैक मिडल बैक लोअर बैक लोअर बैक पे कुछ देर के लिए रुकेंगे पूरा अपनी लोअर बैक को फील करेंगे पूरा ध्यान अपनी नीचे की कमर पर जो नीचे पीठ का निचला हिस्सा है पूरा ध्यान अपने बटक्स जो आपका हिप एरिया है और हिप से थोड़ा सा ऊपर पूरा ध्यान अपना वहीं लेकर जाएंगे पूरा ध्यान अपने लोअर बैक पे अभी इस समय आपका शरीर एकदम शांत शिथिल हो चुका है अब अपना ध्यान अपने हृदय में लेकर जाएंगे अपने हार्ट की उस साउंड को सुनने का प्रयास करेंगे जो दिल ये आपका धड़क रहा है बस उसे सुनने का प्रयास कीजिए आपके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स लिवर पैंक्रियास किडनी स्प्लीन गॉल ब्लेडर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एकदम शांत है लंग्स अब पूरा पांव से लेके सर तक महसूस करेंगे कि आपकी हर एक ध्वनि में जो जितनी भी आर्टरीज और वेन्स है आपके शरीर में उनमें आपका ब्लड चल रहा है सर्कुलेट कर रहा है जैसे आप एक पाइप्स में पानी को फील करते हैं ना पाइप्स में पूरे घर में पानी फ्लो करता है ऐसे अपनी बॉडी को अंदर से देखने का प्रयास करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर भी ऐसे ही ब्लड फ्लो कर रहा है कितना बढ़िया कुदरत का ये करिश्मा है सभी ऑर्गन्स बिना कुछ बताए बिना किसी इंस्ट्रक्शन के डिसिप्लिन में अपना कार्य कर रहे हैं बस उसे सिर्फ देखें और ये शांत हो रहे हैं एकदम शांत हम योग निंद्रा कर रहे हैं योग निंद्रा में कोई भी सोएगा नहीं और इस समय आप थॉटलेस हो चुके हैं विचार आपके मन में नहीं आ रहे बस इन विचारों को देखना है कि अभी कहीं लड़ाई तो नहीं करनी पड़ रही इन विचारों से फिर से अपने शरीर पे ध्यान लेकर जाएंगे कि अगर मन में कोई भी विचार आ रहा है तो अपने शरीर को और शिथिल होते देखिए कि विचार किस तरह के कि आ रहे हैं और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने स्वासों पर अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे केवल अपनी श्वास को देखते हुए हर एक श्वास आ रही है जा रही है बस आपको सजग रहना है सावधान रहना है केवल स्वासों के प्रति बस आती जाती श्वास को देखते रहिए देखते रहिए कि स्वास गहरी है छोटी है गर्म है शीतल है कैसी है ये श्वास बस केवल देखिए अब हम एक संकल्प को क्रिएट करेंगे कोई भी संकल्प जो भी आप लेना चाहते हैं आप अपनी किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं आप अपनी किसी आदत को बनाना चाहते हैं आपका कोई कार्य रुका पड़ा है बस एक संकल्प लीजिए कोई भी एक संकल्प उस परमात्मा को याद करते हुए एक संकल्प लेंगे और उस संकल्प को तीन बार दोहराएंगे अपने मन ही मन उस संकल्प को तीन बार दोहराइए और उसे तीन बार दोहराते ही अपना ध्यान अपनी दोनों आंखों के मध्य लेकर जाएंगे और फिर से अपने आप को देखेंगे कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूं एक चमकती हुई ज्योति एक दिव्य ज्योति हूं जो ये संकल्प क्रिएट करती हूं इस शरीर से कार्य करवाती हूं मैं ही हूं वो फिर से उस संकल्प को देखेंगे फिर से तीन बार दोहराएंगे तीन बार दोहराते ही उस संकल्प को पूरा होने के लिए विजुलाइज़ कीजिए कि वो संकल्प पूरा हो गया है और आप कैसा फील कर रहे हैं उस संकल्प को पूरा होते हुए देखिए विजुलाइज़ कीजिए कि वो कार्य आपका संपन्न हो गया है और आपको कैसा दिखाई दे रहा है आप कैसा फील कर रहे हैं क्योंकि योग निंद्रा में किया गया हर संकल्प इस समय आप बिल्कुल शांत अवस्था में हैं और आपके जो मस्तिष्क में चलने वाली वेव्स हैं वो इस समय थीटा में हैं शून्य में हैं इसलिए इस समय लिया गया हर संकल्प निश्चित पूरा होगा ही होगा इसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती कितनी दृढ़ता से संकल्प को देख पा रहे हैं और कितने अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे हैं ये आप पे निर्भर है बिना किसी शक के या डाउट नहीं होना चाहिए आपको फुल ट्रस्ट के साथ बस सरेंडर कर दीजिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए और समर्पण भाव से उस संकल्प को पूरा होते हुए देखिए से अपना ध्यान अपनी स्वासों पर हर एक आती जाती स्वास को देखेंगे बस केवल देखना है केवल अपनी श्वास को देखते जाइए अपने स्वासों के प्रति सजग एक भी श्वास आपको बिना बताए आए ना और एक भी श्वास आपको बिना बताए जाए ना हर एक स्वास के साथ बस एक होते जाइए एक होते जाइए कब वो श्वास धीमी हो रही है बस केवल उसे देखिए आप फिर से अपना ध्यान अपने हृदय में अपने हार्ट में लेकर आएंगे और उस पर्सन को याद करेंगे जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं उस पर्सन को याद कीजिए जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं और आप फिर से अपने संकल्प को अपने हृदय में लेकर आइए और कृतज्ञता भाव से उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कीजिए कि ये मेरा संकल्प पूरा हुआ मन में ये विश्वास हो कि अगर मैं इसे होने से पहले धन्यवाद कर रही हूं तो निश्चय रखिए कि ये पूरा हो चुका है ब्रह्मांड में यूनिवर्स में क्रिएटर ने ये इसे पूरा कर दिया है आपको बहुत जल्दी इसकी वास्तविकता दिखाई देने वाली है बस आप दिल से आभार व्यक्त कीजिए कृतज्ञता भाव व्यक्त कीजिए जितनी आप कृतज्ञ होंगी उतना जल्दी आपका संकल्प पूरा हो रहा है आप फिर से अपना ध्यान अपने राइट फुट पर दाएं पैर पर बाएं पैर पर दाए टांग, बाय टांग पूरा ध्यान लेकर जाएंगे ऐसे लग रहा है जैसे मानो किसी हार्ड चीज को हिला रहे हैं क्योंकि अभी एकदम शीतल हो चुका है सब कुछ शांत दोनों घुटने हल्की सी दोनों के अंदर हल्की मूवमेंट करेंगे हल्का हिलाएंगे इनको दोनों टांगे दोनों जांगे दोनों कंधे बाजुए हाथ हथेलियां छाती नाभी दोनों कान चेहरा और धीरे धीरे दोनों हाथों का लॉक खोलते हुए अपनी उंगलियों को रब करेंगे और अपने चेहरे पे लगाते हुए अपने आप को इस योग निंद्रा से बाहर लेकर आएंगे कि मैं अपने शरीर में प्रवेश कर रहा हूं मैं आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर रही हूँ धीरे धीरे अपने आप को हिलाइए और अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे सभी और जंपिंग करेंगे और बस खाली इतना करेंगे मन ही मन तेरा लाख लाख बार शुक्रिया तेरा कोटी कोटि धन्यवाद बस जितना शुक्रिया आप कर सकते हैं साथ साथ जंपिंग करें ताकि आप ग्राउंड हो जाएं इस समय आपकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है हाई फ्रिक्वेंसी है और हाई फ्रीक्वेंसी कई बार घर के बाकी लोगों के साथ मैच नहीं करती इसीलिए ग्राउंडेड कर लीजिए अपने आप को खड़े हो जाइए सुमन देवी जी खड़े होके जंपिंग करें हाँ जी सुमन खड़े नहीं हो पाते दूसरी है। ओके 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 ओके, ओके सॉरी सॉरी बेटा सॉरी सॉरी कोई बात नहीं आप यही खड़े होके क्लैप यहीं बैठे बैठे क्लैपिंग करेंगे ओके okay. क्लैपिंग करेंगे हाँ गुड Thank you. Thank you so much.